वेलकम टू बैक माय चैनल दोस्तों। तो आज हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं और आज है मकर संक्रांति का दिन, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग किस प्रकार से पिकनिक मनाने हैं। और अभी फ़िलहाल यहां पे बारिश हो रही है, तो आप देख सकते हो, तो मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाऊंगा कुछ। तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, तो फिलहाल देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं पिकनिक के लिए, तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ का अभी माहौल कुछ ठीक हो चुका है और इसके बाद में जो है पानी आने की संभावना तो लग रही है, फिर भी हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे मामा जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं पाइप का रबर खोल के, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर अभी हम लोग खेतों की ओर हैं, तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग जो मौसम है खुल चुका है और हम लोग जाने के लिए निकल गए हैं और मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार का होता है। तो मामा जल्दी आओ इधर, तो चलते हैं और माहौल देखिए आप लोग किस प्रकार का हो रहा है। बंद रहिए, बंद रहिए, पूरा वेट कर लेंगे। देखिए यहाँ कुछ खेतों का नज़ारा कितना अच्छा शानदार सा लग रहा है। और यहाँ पे जो है बगल में गन्ना लगा हुआ है और हम लोग अभी तीन लोग जा रहे हैं और बाकी के जो है तीन लोग बाइक में आ जाएंगे और उसके बाद में जो भी बनाएंगे वो हम मैं आपको बता दूंगा। कहाँ पे? अरे काफ़ी गहरा है। मजा नहीं आता मजा तो भी नहीं आता दोस्तों। फिर से हमारा जो है जाने का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन और थोड़ा पानी का मौसम बन चुका है और रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, तो मैं अब देखते क्या होता है, तो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। और ये हमारे राकेश नीचे मुंडी नहीं डालना ना रे, ऊपर दिखेगा 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 दिखेगा। तो हम लोग जो है ये देखिए आप नहर देख रहे होंगे जो राजेश अग्रवाल से आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ बेर फला हुआ है, तो हम लोग बेर खा रहे हैं। और देखो जो बाकी के दोस्त लोग हैं वो भी चख के देख रहे हैं, खट्टा है मीठा है खा रहा है कुछ भी, यही तो होता है डर डर माइक में बोलने का। छोरे बरगाटी में देखा नहीं क्या? तो देख सकते हो अच्छा है क्या रे? तो देखो लो आप जो आगे सामने आपको धुंध सा दिखाई दे रहा होगा, तो वहीं पे आपको पुल देखने को मिल जाएगा और वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। और देखिए आप जो नहर का नज़ारा किस तरह से भरा हुआ जा रहा है। हम लोग अभी बेर खा ले रहे जो हमारे मामा ने तोड़ के लाए बहुत ही प्यार से, तो देख सकते हो आप लोग ये जो बेर है। और ये देखो पानी का मज़ा लेते हुए हम पिकनिक का आनंद ले रहे हैं आराम से। अभी हम लोग जो है देखिए पुल के पास में पहुंच चुके हैं और यहाँ का जो आपको नीचे का नज़ारा दिखाऊंगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा दिखाई देगा। और क्योंकि जो है ये नहर का जो पानी है आपको वहाँ से जो है झरता हुआ दिखेगा और एकदम से फुहारे के टाइप में। और सीवा में तेरी गाड़ी है क्या रे? बोलो ना। तो देख सकते हो आप लोग, तो हम लोग जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसके बाद में देखिए और ये जो नीचे में आपको कुछ लोग भी दिखाई देंगे और ये जो पुल है पब्लिक तो होंगी रे। तो देखिए आप लोग ए शिवा मित्रा देख सकते हो आप लोग पिपरवानी के होंगे, पिपरवानी कोयलारी की गाड़ियां तो दिखे नहीं रही है। तो देख सकते हो आप लोग ये जो नीचे जो पुल है ये पुल है यहाँ पे इतना लंबा हुआ है और यहाँ से जो लंबाई है ये लंबा काफ़ी है। और उसके बाद में जो नीचे का नज़ारा है वो दिखाऊंगा। दिखाऊंगा
तो देख सकते हो दोस्तों आप लोग, यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरह का है। और यहाँ पे जो देखिए आपको जो गाय खुरी दिखाऊं चाह रहा हूँ मैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ का नज़ारा देखिए आप लोग कुछ इस तरह का है। और इस साइड में आप देख सक रहे हो यहाँ पे जो है मंदिर है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसके अंदर का जो आपको नज़ारा दिखाऊंगा मैं लोग। तो इस पीछे में देख सक रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे भी मैं आपको अंदर ले जाऊंगा और अंदर का कुछ नज़ारा दिखाऊंगा आपको किस तरह का है। और फिलहाल हम लोग यहाँ मंदिर में तो पहुँच गए, और जो हम लोग कुछ पिकनिक का कार्यक्रम करने वाले हैं तो हम लोग को वहाँ पर जाना पड़ेगा पुल पे। और वहाँ पे नीचे आपको मैं बता, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा लगा। तो देखिए आपको यहाँ का इस तरह का नज़ारा है। और ये जो पीछे है, यहाँ पीछे में एक और भी मंदिर है। तो यहाँ पे मंदिर है अभी, और यहाँ पे कुछ पूजा का कार्यक्रम हो रहा है, और यहाँ पे भी पूजा कर लेते हैं। कहाँ पे माने चढ़ना तो दोस्तों यहाँ का इस तरह का कुछ नज़ारा है। और यहाँ पे जो है अभी ये मकर संक्रांति, ये जैसा आप देख सकते हैं ये है मंदिर के पीछे का बैकग्राउंड। और अब हम चलते थोड़ा नीचे की ओर। जैसा कि आप देख सक रहे हो वो हमारे सामने जो दिख रहा है वो पुल, और ये नदी जो कि इस मंदिर की शोभा बढ़ाती है और दर्शकों को यहाँ मन मोहित करने वाली प्लेस है ये। और अभी हमारे फ्रेंड्स आने को है, जो हम जिसका प्लान किए थे कि कुछ बनाएंगे यहाँ आके पिकनिक में, सो आए थे। एक मिनट हो गया दोस्तों, हम लोग यहाँ से मंदिर को घूम के तो हो चुका है, और इसके बाद में हम लोग वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं नीचे। चले शिवम, एक वीडियो और बनाओ बनाओ, चलेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं, तो उसके बाद में आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरे वाला रास्ता है। दोस्तों हम लोग वहाँ से जो मंदिर से निकल चुके हैं, और यहाँ पे जो है पुल के नीचे जाने का सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे शायद भीड़ कम हुई या नहीं हुई मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो है कहाँ पे रे, क्या कर रहे हैं? आओ इधर से। तो हमारे कुछ साथीदार भी आ गए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ।